जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन बुर्का नहीं उतरेगा। इस्लाम के खिलाफ के बुर्का नहीं पहनना। सबसे पहले तो वो होता कौन है जो हम लोगों को बोलेगा कि हम लोग बुर्का ना पहने। कल बोले ना रोड पर तुम ऐसे ही घूमो, चलेगा क्या? नहीं, बुर्का हम नहीं छोड़ेंगे। बुर्का हमारा इस्लामी हक है। जो इस्लाम जो हम लोगों को कहता है वही हम फॉलो करेंगे। इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत में बुर्का बैन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सामना के संपादकीय में लिखे लेख में श्रीलंका के तर्ज पर बुर्के पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है, जिस पर मुस्लिम समाज की महिलाएं समेत कई राजनीतिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं। MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि अगर बुर्का बैन होगा तो आप घूंघट के बारे में क्या कहेंगे। अगर सुरक्षा का मामला है तो ओवैसी ने साध्वी प्रज्ञा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रज्ञा और अन्य लोगों ने हमला करने के लिए क्या पहन रखा था। मगर वहीं श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट के बाद श्रीलंका की सरकार ने बुर्का बैन कर दिया है, जिसके बाद हिंदुस्तान में बुर्के पर पाबंदी की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में श्रीलंका के फैसले का स्वागत करते हुए बुर्के पर बैन की मांग करते हुए संपादकीय लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि रावण की लंका में हुआ, राम की अयोध्या में कब होगा। लेख में फ्रांस, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की उदाहरण देते हुए भारत में बुर्के पर पाबंदी की मांग की है, जिसके बाद शिवसेना की चारों तरफ आलोचना हो रही है। मगर कुछ नेता बुर्का बैन का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग शिवसेना पर बुर्का पाबंदी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। मगर वहीं शिवसेना बुर्का पाबंदी देश की सुरक्षा के लिहाज से लगाने की मांग कर रही है। वहीं शिवसेना की बुर्के पर बैन लगाने वाली मांग पर BJP ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया है। BJP के नेता और प्रवक्ता GVL नरसिम्हा ने इस मांग का विरोध किया है और कहा है कि बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की भारत में कोई जरूरत नहीं है। बुर्का पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी और NCP के महासचिव सैयद अली भाई साहब ने क्या कहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि शिवसेना को इतना भी नहीं मालूम है कि ये हिंदुस्तान जो है जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान का कानून मुसलमानों को ये आज़ादी देता है कि आप अपने मजहब पर रहें, और हमारा जो बुर्का का मामला है, पर्दे का मामला है, ये इस्लाम की एक जड़ है। हमारी औरतें बुर्का कभी छोड़ ही नहीं सकती हैं, और शिवसेना के बोलने से, उसके चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। शिवसेना की बात तो कोई सुनता भी नहीं है। बहरहाल श्रीलंका की जो बात है, श्रीलंका को लेकर के कह रहे हैं, तो आप ये बताइए इस्लामुद्दीन भाई कि श्रीलंका में जो बम ब्लास्ट हुआ है, वो जो आतंकी थे क्या बुर्का पहने हुए थे? अगर बुर्का पहने हुए थे तो भाई ठीक है, चलो बुर्का वहाँ की जो हुकूमत है वो पाबंदी लगा रही है कि बुर्का पहने थे और बुर्का पहन करके बम ब्लास्ट किया, बुर्का तो पहने नहीं थे। और बुर्का क्यों इतना बुरा लगता है यार? ये हिंदुस्तान की, ये हमारे जमहूरियत और हमारे कानून की एक आज़ादी है जो बुर्का हमको पहनने के लिए कहा गया है। और शरीयत ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला खुद ने कुरान में कहा कि औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को बगैर पर्दे के मत निकलने दो। हम अपने शरीयत पे चल रहे हैं और दर्द शिवसेना को हो रहा है। और ये बात बताइए कि अगर बुर्का आतंकवाद का जड़ होता है, इससे आतंकवादी बढ़ते हैं और इससे आतंकवाद होता है, तो आप मुझको ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी को नलिनी ने जो कत्ल किया था, जो शहीद किया था, क्या वो बुर्का पहनी थी? वो साड़ी ब्लाउज पहन करके उनके ऊपर बम मार दी थी। ये सब शिवसेना की घबराहट है। शिवसेना की TRP ख़त्म हो चुकी है। अभी वो चाहती है कि इस तरह बयान दे करके मैं कुछ आ जाऊँ मीडिया में, सुर्खियों में आ जाऊँ, और कोई बात नहीं है। और मुसलमान कभी बुर्का छोड़ ही नहीं सकता है। देखो, BJP के जो अभी वो तर्जमान हैं, नरसिम्हा जिनका नाम है, उन्होंने तो ये कहा है भाई वो श्रीलंका की बात है और यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। और BJP के जो नेता अगर कहते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में कहते हैं, और वो एकदम घबराए हुए हैं क्योंकि उन लोगों की बात अब चल नहीं रही है। हमारे मुल्क के लोग उनकी बातों को अब मान नहीं रहे हैं, तो सोचते हैं कि इस तरह मुसलमानों को किसी तरीके से परेशान करके थोड़ा सा हमारा नाम फिर हो जाए। बहरहाल, अगर अच्छा हमारे मुल्क के जो सेकुलर हिंदू हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी के धर्म में मुदाखलत की जाए। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान शिवसेना की इस बात की ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं, और हम ये कहते हैं कि शिवसेना ये अपना बयान वापस ले, और वापस ले करके जो उसने गलती की है उसकी माफ़ी मांग ले। देखिए, ऐसा है कि हमारा एक संविधान है, हमारा देश एक संविधान से चल रहा है। उस संविधान के अंदर लिखा है कि हम अपनी
मर्जी से जी सकते हैं, खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे ओढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की तो संविधान के ऊपर तो कोई नहीं है, आर्टिकल है, लिखा है उन्होंने अपने, दक्षिणपंथी लोग है, इलेक्शन ख़त्म हुआ है, कुछ ना कुछ चाहिए। देखिए आज देश में क्या चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है, मुसलमान को कितना बुरा बोला जा सकता है, तो ये उसी का पार्ट है। मैं ना जिस तरीके से भाजपा की गवर्नमेंट ने 3 तलाक लाई, उसी तरीके से अभी उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा देश है, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, और संविधान के आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि हम अपने देश में किसी भी तरीके से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। इसको ज़्यादा बढ़ावे की ज़रूरत मैं ऐसा नहीं मानता कि इसको ज़्यादा तूल दिया जा रहा। सवाल से श्रीलंका के अंदर थोड़े लोग रहते हैं, और इस तरीके की अगर उनके हैं तो उन्होंने अपने उनके संविधान के हिसाब से क्या है, लेकिन हमारे देश के संविधान के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आधा बुरखा तो पूरा हिंदुस्तान पहन रहा है। आप पुणे चले जाइए, हमारी महाराष्ट्रीन बहनें औरतें जो घर के बाहर निकलती हैं वो पूरे के पूरा वो पहन के निकलती हैं, ऐसा इस तरीके से बंद करके, तो भी सुरक्षा को खतरा है ना। तो ये सब कहने की बात है, हमारे इंटेलिजेंस इतनी मजबूत होना चाहिए कि देश में आतंकवादी घुसना नहीं चाहिए, थर्राना चाहिए कि कैसे किसी चीज़ को बैन करके तुम ये सोचोगे कि सुरक्षा हो गई, तो ये गलत बात है। ये पर्टिकुलर एक समाज के ऊपर अटैक है, इस तरीके से मैं इसको मानता हूँ। अगर बुरके पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध जरूर करेंगी। इस दौरान हमने बुरके पर पाबंदी को लेकर कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात की है, जो आपको सुनाते हैं। बुरके से बैन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुरका औरतों की इज्जत के लिए इस्लाम ने दिया है, ना कि ये बम ब्लास्ट। और इसके लिए बम ब्लास्ट होना होता है तो वो किसी भी तरह होता है, उसके लिए बुरके से कोई मतलब ही नहीं है। बुरका हमारा इस्लाम है, इस्लाम की बुनियाद है कि जो औरतों को एक पर्दे में रखा जाए, और औरतें पर्दे में रखने की चीज़ है, ना कि घूमना बिना रास्ते पे घूमे। इसीलिए बराए मेहरबानी बुरके के ऊपर और हमारे इस्लाम के ऊपर कोई चीज़ के ऊपर तनकीद ना की जाए। जो कहा है कि इस्लाम के खिलाफ कि बुरका नहीं पहनना, सबसे पहले तो वो होता कौन है जो हम लोगों को बोलेगा कि हम लोग बुरका ना पहने, वो कौन होता है? हमारे हदीस, हमारे कुरान में हम मरते दम तक अपना बुरका नहीं छोड़ेंगे, हम अपने तमीज़ के दायरे में रहेंगे। उससे अपना ये बात वापस लेना पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से एक चॉकलेट होती है वो खुली होती है, और एक चॉकलेट होती है वो बंद होती है, तो खुली चॉकलेट पे मक्खियाँ मुंगियाँ लगती है, लेकिन जो बंद रहेगी तो सेफ रहेगी ना। तो इसी तरह से हमारा पुरखा है, हम उसको पहन के मुकम्मल इस तरह से हमको लगता है कि हम सेफ है उसके अंदर, हमको बुरी नज़र से लोगों की बचना है, ना कि हमको गैर आदमी को अपने आप को अपने जिस्म की नुमाइश करना है। हम लोगों को अपने आप को बताना है कि बुरखा हमारे लिए क्या मायने रखता है। लोगों ने कभी किसी के लिए कहा कि हमें जीन्स मत पहनो, स्कर्ट मत पहनो, बेहाई जो करते हैं आजकल लोग, हमने किसी के इस्लाम को कुछ नहीं कहा, तो वो कौन होता है जो हमारे इस्लाम को बोलेगा कि हम बुरखा ना पहने? हाँ, हमारे हम उसमें हमको सेफ लग रहा है, हम अच्छे से हैं, हम किसी के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे, तो वो कौन होता है? उससे कहो कि अपना वो वापस ले, अपनी बात को वापस ले, और हम कुछ नहीं जानते। लोगों को बुरका क्या मायने लगता है? बुरका हमारे लिए सबसे अच्छा और सेफ चीज़ है। इस चीज़ के लिए उद्धव ठाकरे ने जो कहा है उसे अपनी इस बात को वापस लेनी पड़ेगी, उसने बहुत ही गलत बात कही है, उसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हम कभी अपना बुरखा नहीं उतरेगा, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन बुरखा नहीं उतरेगा। अरे हमारे नबी की सुन्नत है, ये कोई खो देंगे क्या? नारा तस्वीर अल्लाहू अकबर, हम लोग नहीं छोड़ेंगे ये सब। पर्दा जो है तो फर्ज है, उस फर्ज को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे नबी ने हमारे सेफ्टी के लिए इसको जो है तो हमारे रूल हमारे लिए छोड़ा है, तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे तो हमारे नबी को नाराज कर देंगे। कल बोलेंगे रोड पे तुम ऐसे ही घूमो तो चलेगा क्या? नहीं, बुरखा हम नहीं छोड़ेंगे, बुरखा हमारा इस्लामी हक है, इस्लाम ने हमको दिया बुरखा पहनने, पर्दा करने, तो हम क्यों छोड़े? सबसे बड़ी बात तो सबका हमारी इज्जत की हिफाजत है, बुरखा हमारी इज्जत है, बहुत सब कुछ है हमारे लिए बुरखा। जो भी बोलता है अपने को नहीं चाहिए वो सब, अपने को तो बुरखा चाहिए सिर्फ। हाँ, इतना ही, अपने को साफ सफाई, कुछ साफ सफाई नहीं देना अपने बुरखे के आगे, अपने को नकाब चाहिए,
निकाब के आगे अपन कहाँ नहीं जाने वाले। वहीं शिवसेना के इस लेख से काफी हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रही हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी शिवसेना की इस मांग को गलत बताया है। रामदास आठवले का कहना है कि बुर्का पहनने वाली महिलाएं आतंकी नहीं हो सकती है, उनकी ये पोशाक है और इसे पहनने का उन्हें अधिकार है, भारत में बुर्का बैन नहीं होना चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।